भारत ने डिजिटल भुगतान के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और वो इस क्षेत्र में शीर्ष पर है। माय गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में सबसे ऊपर है। वर्ष 2022 में भारत ने वैश्विक रियल टाइम भुगतानों में 46% का योगदान दिया। भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन संयुक्त रूप से अन्य 4 देशों के तुलना में अधिक है। डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत का दबदबा लगातार बना हुआ है। इनोवेटिव तरीकों और व्यापक रूप से अपनाए जाने के साथ कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। दूसरी सूची में ब्राजील है, जिसने 29.2 मिलियन लेन देन किया और उसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ रहा। माई गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 16.5 मिलियन लेन देन के साथ थाईलैंड चौथे नंबर पर है। इसके बाद 8 मिलियन मूल्य के लेन देन के साथ दक्षिण कोरिया है। माई गवर्नमेंट इंडिया भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है, जो लोगों को अपने विचारों और जमीनी स्तर के योगदान के साथ सुराज्य की दिशा में काम करने का अवसर देता है। भारत उन देशों में शामिल है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल भुगतान में भारत मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में नए मील के पत्थर देख रहा है, जो भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और स्वीकृति का संदेश देता है संकेत देता है।